जीपीएस चेक जा रहा था तो इसमें दो चीज़ें मुझे देखने को मिली। फर्स्ट, अगर मैं रोड पर इसे रोकना चाहूँ तो अगर 40 की स्पीड है तो एकदम तो ये लॉक नहीं करेगा, लेकिन जो 5 सेकंड होते हैं जो पिछले वाले उस पर लॉक नहीं करता, लेकिन जो 1 सेकंड होता है कि जब व्हील एकदम लॉक हो जाता है तो नॉर्मल आपको जो डिस्क ब्रेक करता है वो ही ABS कर रहा है ये। मतलब या तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वैसे लग नहीं रहा है क्योंकि ये शोरूम बाइक है, नई बाइक है तो इतनी जल्दी प्रॉब्लम आ नहीं सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें ABS में अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी जो इसे ठीक करनी है। मैं पर्टिकुलर एक और बाइक में चेक करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक ही बाइक से ये नहीं बता सकता कि सब में ऐसा आता है। इंक्लूडर का कह सकता हूँ कि इतना अच्छा ABS नहीं है, थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। और अगर मैं इस मिट्टी में, आपने अभी देखा मैंने, ऐसी तरह की मिट्टी है तो आपके जो डिस्क ब्रेक है वैसे ही काम करती है, ABS जरा सा भी नहीं लगता इसमें ABS है। अगर मैंने वहाँ पर लगाया था तो बाइक नीचे गिरने वाली थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया, फिर वापस ब्रेक लगाया क्योंकि ABS काम नहीं कर रहा था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप ABS बाइक लेते, इंडियन बाइक्स में 150 cc ABS में अभी काफ़ी सारा जो सुधार है वो करना बाकी है क्योंकि इतना अच्छा नहीं किया है इन्होंने, थोड़ा सा अगर इसे इम्प्रूव कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और इस हिसाब से अब अगर आप सोच रहे हैं ABS वाली बाइक ले या नॉन ABS बाइक ले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई हम कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो अभी तक इंडिया के अंदर आप 150 cc वेरियंट में नॉन ABS बाइक लोगे तो भी वैसे ही परफॉर्म करेगी, ज़्यादा कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं है। और दूसरी और बाइक चेक करूँगा, वो भी चेक करूँगा, देखूँगा कैसी है वो, उसके बाद मैं आपको प्रेफर कर सकता हूँ अच्छी तरह से कि कैसी है। अगर आप बाइक लेना चाहते हैं तो डिस्क ब्रेक वाले लोग काफ़ी अच्छी है, ABS से ज़्यादा इतना कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप ऐसी कमेंट करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए या हम क्या जानना चाहते हैं तो बेशक मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जो डिमांड्स उसको हम पूरा ना करें, आपकी डिमांड जितनी भी हम जरूर पूरी करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।